हेलो, नमस्कार। संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये मैं तीसरा पार्ट सीताराम 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 बोल का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ई इन जी शार्प। ई स्केल में गा रहा हूँ परंतु जी शार्प में बजा रहा हूँ, ताकि जो जी शार्प से बजाने वाले हैं और आवाज़ ऊंची करनी होती है उनको, उनके लिए स्पेशल ये है। तो ये मैं तीसरा पार्ट में इसके जो और अंतरा हैं उसे मैं कर रहा हूँ। इससे पहले वाले पार्ट में मैं पहला अंतरा किया था और उसे मैं रिकॉर्ड किया था, तो इसमें ध्यान से सुने। आगे का जो पैराग्राफ है वो इस तरह का है। माटी के रंगीन खिलौने माटी में मिल जाएगा, फिर से, माटी के रंगीन खिलौने माटी में मिल जाएगा, आज नहीं तो कल यहां पर कर्मों का फल पाएगा, आज नहीं तो कल यहां पर कर्मों का फल पाएगा, हीरा जन्म न फेर मिलेगा, हीरा जन्म न फेर मिलेगा, कूड़े में ना रोल रे, फिर से, हीरा जन्म न फेर मिलेगा, हीरा जन्म न फेर मिलेगा, कूड़े में ना रोल रे, सीताराम 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 बोल। अब ये तीसरा पैराग्राफ। साथी खाली हाथ गए हैं, होश तुझे क्यों आए ना, साथी खाली हाथ गए हैं, होश तुझे क्यों आए ना, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, साथ गई एक पाई ना, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, साथ गई एक पाई ना, भव सागर के अंदर तेरी, भव सागर के अंदर तेरी नैया रही है डोल रे, एक बार फिर से, भव सागर के अंदर तेरी, भव सागर के अंदर तेरी नैया रही है डोल रे, सीताराम 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 वो। अब चौथा अंतरा। जिसको समझे यह जग अपना वो एक दर्शन मेला, जिसको समझे यह जग अपना वो एक दर्शन मेला, अंतकाल पछताएगा जाएगा जब तू अकेला, अंतकाल पछताएगा जाएगा जब तू अकेला, सुंदर तन पे दाग लगाया, सुंदर तन पे दाग लगाया, मैली चादर ओढ़ रे,
फिर से एक बार, सुंदर तन पे दाग लगाया, सुंदर तन पे दाग लगाया, मैली चादर ओढ़ रे सीताराम 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 बो। इस तरह ये चारों पैराग्राफ को आप प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरह फर्स्ट पैराग्राफ को आप किए हैं, ठीक उसी तरह दूसरे और तीसरे और चौथे पैराग्राफ को आप करेंगे। और मैं हर हमेशा कहता हूँ, बहुत ही स्लो स्पीड में करें, पहले एक एक शब्द को, एक एक स्वरों को ध्यान में रख करके प्रैक्टिस करें, कौन सा शब्द किन किन स्वरों पर गाया गया है, इसे ध्यान दे करके प्रैक्टिस करें। और जब ये अच्छी तरह तैयार हो जाए, समझ में आ जाए पूरी तरह, उसके बाद उसे एक फ्लो में गाना शुरू करें, थोड़े स्पीड में, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी करें, और लास्ट में मैं उन सब व्यूअर से कहूँगा, सभी लोगों से कहूँगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसकी तैयारी करें, फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।